नमस्कार, मैं भरत साधु रामदल चैनल में आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामदल चैनल सनातन धर्म वैदिक सनातन संस्कृति के रक्षण हेतु सत्य सनातन उजागर हो, जन जन तक घर घर तक सत्य सनातन बात पहुँचे, इसलिए वर्क कर रही है। वर्तमान में कथाकथित पंथ जो संप्रदाय बनने निकले हैं, संप्रदाय का मतलब क्या होता है, संप्रदाय किसे कहा जाता है, संप्रदाय आचार्य परंपरा और आचार्य परंपरा में केंद्र स्थान में प्रभु की भक्ति भक्ति का प्रसार प्रसार होता है। क्या कथाकथित पंथ को संप्रदाय की मान्यता मिल सकती है? क्यों तुले हुए हैं सनातन धर्म के सच्चे वाहक इन कथाकथित पंथ को समर्थन देते हुए संप्रदाय की मान्यता देने क्यों जा रहे हैं? सनातन धर्म में हमारे धर्माचार्यों, हमारे जगत गुरुओं, हमारे आचार्यों का हम आदर करते हैं, हमारे साधु संतों महंतों महामंडलेश्वरों का हम आदर सम्मान करते हैं। इसके पीछे की वजह एक ही है कि वो लोग सनातनी परंपरा को मजबूत बना रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, वर्तमान में क्या हो रहा है, कथाकथित पंथ के समर्थन में लोग उतर चुके हैं। पैसों के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं। अभी वर्तमान में कथाकथित पंथ को एक संप्रदाय का दर्जा देने की तैयारियां हो रही है। कुंभ में भी उनको स्थान मिले वैसी कुछ तैयारियां की जा चुकी है। अगर हमें सनातनी परंपरा को बचाना है, सनातन धर्म को बचाना है, तो कथाकथित पंथों को रोकना होगा। कथाकथित पंथ को रोकने की हमारी जो घेलसा है, उसके पीछे किसी की आस्था टूटे, यह हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य एक ही है, सनातनी परंपरा और सनातनी परंपरा के केंद्र में प्रभु की भक्ति भक्ति का प्रसार प्रसार होता है, नहीं कि व्यक्ति पूजा। एक कथाकथित पंथ व्यक्ति पूजा पे महत्व दे रहा है, जोर दे रहा है, वहां भगवान का निषेध हो रहा है। हमारे सनातनी परंपरा के मुख्यतः आराध्यों का छेद उड़ाया जा रहा है। सनातन धर्म एवं सनातन संस्कृति वैदिक परंपराओं का रक्षण हमारे पीठाधीश्वरों, हमारे मठाधीश्वरों, हमारे साधु संत महामंडलेश्वरों पर है। अगर यही बिक जाएंगे और यही सनातनी परंपरा को छोड़कर कथाकथित पंथों के साथ मिल जाएंगे, तो सनातन धर्म का क्या होगा? सनातन धर्म एवं सनातन संस्कृति को बचाना बहुत जरूरी है। वर्तमान में कुछ कथाकथित पंथ अपने एजेंडे चला रहे हैं, अपने महापुरुषों को भगवान बनाकर अपने ही व्यक्तिगत पूजा में लिप्त वो पूजा अर्चना में हमारे आराध्यों का सेध उड़ा रहे हैं।
क्या उनको तथाकथित पंथों को, ऐसे धर्मों को, ऐसे संप्रदायों को महत्ता मिलनी चाहिए? अगर नहीं तो हमारी इस मुहिम में हर कोई सनातनी जुड़े और हम इन लोगों को रोकना चाहते हैं। हमारी नई पीढ़ी तक सनातनी संस्कृति उजागर हो, हमारे आराध्य, हमारे पंचदेव पूजा यही स्थापित हो। जो लोग अपने एजेंडे चलाकर कुछ नया पीरस रहे, कुछ नया परोस रहे हैं, वो अपने महापुरुषों को परब्रह्म बनाकर, परमेश्वर बनाकर हमारी सनातनी परंपरा के आराध्यों को दूर कर रहे हैं, हटा रहे हैं। और हमारे आचार्यों को जो मूलतः संप्रदाय के जगतगुरु है, उनको द्वारपाल बनाकर अपने कार्यक्रम में रख रहे हैं। सनातनी परंपरा के जगतगुरुओं, सनातनी परंपरा के धर्मगुरुओं, सनातनी परंपरा के महामंडलेश्वरों, क्या बिक रहे हैं? क्या वो पैसे के लिए कथाकथित पंथों को महत्व दे रहे हैं? यही हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा दुख का कारण है, बहुत बड़ी चिंता का कारण है। अगर ये सच है तो हमारी ये सनातनी परंपरा बचाने के लिए हर कोई सनातनी को जागृत होना पड़ेगा। जो लोग, जो जगत गुरु, जो धर्माचार्य, जो महामंडलेश्वर पैसों में बिक रहा है, उनको हम महामंडलेश्वर नहीं मानेंगे, उनको हम जगत गुरु नहीं मानेंगे, उसका कोई सनातनी आदर न करे, यही हमें करना होगा। वरना वर्तमान में धर्म की आड़ में अपनी दुकानें चलाने वाले, अपने धर्म का वेपलो चलाने वाले लोग हावी हो जाएंगे। सनातनी संस्कृति के लिए, वैदिक सनातनी संस्कृति के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए ये सब घातक है।